गाइस आप लोग कैसे हैं। मैं अभी दादर नगर हवेली केंद्र शासित अंचल में खड़ा हूँ। मैं एक्चुअली ये दादर नगर हवेली के अंदर जो व्यूज है, जो कुदरत का करिश्मा है, नेचुरल ब्यूटी है, स्पेशली रुदनी लेक है, वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं बड़ोदरा से आ रहा हूँ। बड़ोदरा सिटी से करीब 300 किलोमीटर, सूरत सिटी से करीब 200 किलोमीटर ये दुधनी लेक दादर नगर हवेली आता है। और इसका एक्चुअली सिटी है, जिला सिटी है सिलवासा। तो चलिए हम लोग देखता हूँ इसका व्यूज और इसका दुधनी लेक का, जो कभी कोई कोई मिनी कश्मीर जैसा बोलता है। चलिए देखिए, मेरा साथ बने रहिए। हम लोग अभी लेक का तरफ आगे बढ़ रहे हो। देखिए क्या खूबसूरत नजारा, नेचुरल ब्यूटी, अनबिलीवेबल। कोई कोई मिनी कश्मीर जैसा बोलता है। अगर आप लोग कोई कश्मीर गया होगा तो ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा आपको। देखिए, मैं अभी दुधनी लेक थोड़ा दूर है, पहले आपका व्यूज दिखा रहा हूँ। देखिए दुधनी लेक किस तरफ है। आइए दुधनी लेक आगे ना, चरण से उधर लेक है ना, बढ़िया है ना, देखने में मजा आएगा। वो तो मजा आता है। अच्छा, ओके, धन्यवाद। पार्किंग का अच्छा अरेंजमेंट है ये लेक का सामने ही। क्या बेहतरीन नजारा देखिए। ये बोर्ड देख के कश्मीर का याद दिलाता है। आप लोग अगर कोई कश्मीर में गया होगा तो ऐसा बोर्ड जरूर देखा होगा। इसी बोर्ड से हम लोग को लेक का भ्रमण करने का है। बने रहिए मेरे साथ। शिकारा नाव का दर इसी में हम लोग को बुक करके बोटिंग करने का है। 30 मिनट के लिए 400 रुपया, 60 के रुपया एक घंटे के लिए। बोट पे चढ़ गया दादा, कहीं तेरा सर सर आप ये साइड पर। कितना बेहतरीन नजारा देखिए।
तारीख से चालू हो गया, तो 30 तारीख तक रहेगा। पब्लिक के लिए कितना खूबसूरत नजारा देखिए। ये लेक का बीच में छोटा सा एक आइसलैंड है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसी आइसलैंड में हम लोग अभी हूँ, देखिए। क्या खूबसूरत देखिए, अभी मॉनसून फेस्टिवल भी चल रहा है, 31 अगस्त तक चलेगा। इसी का बीच में आएंगे तो ये मेला भी आप लोगों को दिखाई देगा। रास्ता में ऐसा बहुत सारी खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देगा। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए प्लीज़।